सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल टेक राज को और बेल आइकन को दबाकर ऑल प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट टेक वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक राज पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोया के बाई एम1 माइक के बारे में कि अगर आपका माइक ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा, आप अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो और आपका जो माइक है वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, तो कैसे आप अपने ख़राब माइक से अपनी वीडियो को प्रॉपर तरीके से बना सकते हो। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका माइक बोया का बाई M1 है या फिर कोई सा भी कॉलर माइक है जिससे आप अपनी वीडियो में ऑडियो के लिए जो माइक यूज करते हो कॉलर माइक, अगर वो माइक आपका ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, जैसा कि कभी वर्क करता है और कभी आपकी साउंड को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, तो कैसे आप अपनी वीडियो को ठीक तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो उसी माइक से। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिनको हमें ध्यान में रखना है जिससे आपका कोई भी ख़राब माइक हो जो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा हो, आप उसी माइक से अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो और अपनी वीडियो में अपने साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हो उसी ख़राब माइक से। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, YouTube पर काफ़ी ऐसे क्रिएटर हैं जिन्होंने अपना नया चैनल बनाया है और वो कैसे भी करके अपने लिए कॉलर माइक ले लेते हैं जिनसे उनकी वीडियो में आवाज़ अच्छी रिकॉर्ड हो सके। लेकिन क्या होता है, कुछ टाइम बाद उनका जो माइक होता है ठीक से वर्क नहीं करता। क्या होता है, कभी कभी तो उनकी वीडियो में आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हो जाती है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी शूट हो जाती है और लास्ट में पता चलता है कि हमारी वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई है, तो इससे हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाती है और जो कॉन्फिडेंस होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का वो भी ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो दोबारा से उसी टाइप से नहीं बना पाते, क्योंकि जो भी हम वीडियो में बोलते हैं वो हम रिपीट करके याद करके नहीं आते कि हमें क्या बोलना है, हम सिर्फ वही बोलते हैं जो हमारे माइंड में होता है और जिसकी हमें नॉलेज होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ, कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपनी वीडियो को पूरे प्रॉपर तरीके से बना सकते हो और उसमें अपनी वीडियो में अच्छी क्वालिटी ला सकते हो साउंड की। वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, मैं आपको सारे टिप्स एक करके बताऊँगा। दोस्तों, मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो उसकी टाइमिंग होती है, जैसे कि आपकी कोई वीडियो है जिसकी टाइमिंग 10 मिनट की है, तो आपको उस वीडियो को 4 पार्ट में बनाना है। जैसे दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैं अपनी वीडियो बनाता हूँ तो पहले पार्ट में मैं बोलता हूँ कि हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरी वीडियो में, और जिस भी टॉपिक में वीडियो बनाता हूँ दोस्तों उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, क्या करना है, आपको पहले पार्ट में ये सब बताना है और उसके बाद में अपनी वीडियो को जाकर चेक करना है कि आपकी वीडियो में आपका साउंड रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर आपकी वीडियो में साउंड रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा तो आप फिर से वही टॉपिक दोबारा बोल के अपनी वीडियो बना सकते हो। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप अपनी वीडियो को 3 या 4 पार्ट में बना लोगे तो आपकी आप बार बार चेक करके अपनी वीडियो में अपना साउंड चेक कर लोगे, जिससे आपकी वीडियो में टाइम ख़राब नहीं होगा। क्योंकि कोई भी पार्ट आपका ख़राब रिकॉर्ड हुआ होगा तो आप उसे वहीं से दोबारा से रिकॉर्ड करके फिर से बना लोगे, तो इससे आपका टाइम बच जाएगा और आपको कोई टेंशन भी नहीं होगी। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि जब भी आप अपनी वीडियो बनाओ तो आपको कैमरा ओपन करने से पहले ही आपकी जो माइक की सॉकेट है वो उसको फ़ोन में लगा लेनी है। उसको लगाने के बाद आपको अपना कैमरा ओपन करना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों कि जो भी उसमें कुछ एक्सेस पॉइंट होते हैं जो हमारी लीड के और फोन से कनेक्ट होते हैं, वो आप पहले कनेक्ट कर दोगे तो वो अच्छी तरीके से वर्क करने लगते हैं। अगर आप उसे कैमरा ओपन करने के बाद कनेक्ट करते हो तो कभी कभी हमारा कैमरा उस सॉकेट को सपोर्ट नहीं करता और हमारी उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होती। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपनी वीडियो शूट करो तो कैमरा ओपन करने से पहले ही आपको वो सॉकेट उस फ़ोन में लगा देनी है, जिससे आपकी वीडियो रिकॉर्ड होने में कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, अब मैं आपको तीसरी टिप्स बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने आपको बताया होगा, काफ़ी वीडियो में आपने देखा होगा कि आप अगर आप अपना माइक यूज़ कर रहे हो, आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है माइक को कनेक्ट करते टाइम, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा इस फोटो में ये वाला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये वाला ऑप्शन यूज़ नहीं करना है, आपको सबसे नीचे वाला ऑप्शन है जो जिस पर जो आप देख रहे हो इस पर एरो को निशान आ रहा है, आपको ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी आवाज़ और ज़्यादा क्लियर निकल के आएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपना कैमरा यूज़ करो तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपकी आवाज़ एकदम क्लियर निकल के आए। दोस्तों, अब मैं आपको चौथे टिप्स बताता हूँ। हम क्या करते हैं कि जब भी हम अपनी वीडियो शूट करते हैं तो अपनी जो तो हमारी जो लीड होती है, जो लीड होती है दोस्तों माइक की जो लीड होती है, उसे हम फोन में लगाते हैं। हम उसे इस जगह से पकड़ कर जो आप देख रहे हो यहाँ से पकड़ उसमें अंदर घुसेड़ते हैं और यहीं से पकड़ खींच लेते हैं जहाँ हमारी वीडियो बन जाती है तब। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस लीड को इस जगह से पकड़ना है, जैसे आप देख रहे हो इस वीडियो में इस तरीके से आपको इसको पकड़ना है, इस तरीके से आपको इसे पकड़ना है, और जब आप इसे बाहर निकालो तो आपको यहीं से पकड़ के इसे खींचना है। इससे क्या होगा कि इस लीड में जो दोस्तों ये पतले पतले वायर होते हैं वो खिंच जाते हैं, जिससे हमारी वीडियो में आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाती, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं टूट पाते, हल्के से खिंच जाते हैं, तो
तो कभी कभी तो वर्क करते हैं और कभी कभी वर्क नहीं कर पाते, जिससे हमारी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपनी वीडियो शूट करो तो आपको इस जगह से कनेक्टर लगाना है, और जब आपकी वीडियो बन जाए, रिकॉर्ड हो जाए, तो आपको यहीं से पकड़कर इसे बाहर निकालना है, जिससे आपकी ये लीड ख़राब होने से बच जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी लीड ख़राब हो चुकी है तो आप इसे सही कर सकते हो, और किस किस जगह से हमारी लीड ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों हमारी लीड क्या है, दो जगह से ख़राब होती है, आप देख रहे होंगे इस वीडियो में। एक तो इस जगह से ख़राब होती है, आप देख रहे हो। इस जगह से क्यों ख़राब होती है दोस्तों, कि जब भी हम अपनी वीडियो बनाते हैं तो इस सॉकेट को अंदर बाहर जब निकालते हैं तो ये यहाँ से खिंच जाती है। और दूसरी दोस्तों जो ख़राब होती है, जो होती है ऊपर वाले से यहाँ से हम अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो अलग अलग वायर होते हैं जो अलग अलग जगह सोल्ड होते हैं, तो वो क्या होता है दोस्तों, उस पर थोड़ा कार्बन आ जाता है या फिर कहीं अंदर से वो हट जाते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बाज़ार से एक कनेक्टर लेके आना है। जो लीड होती है दोस्तों बाज़ार में मिल जाती है 10-15 रुपए की, इसमें आपको 8-10 इंच का टुकड़ा उसमें लगा हुआ मिलेगा। तो आपको अपनी लीड का इतना बड़ा आपको वायर अलग काट देना है अपनी लीड में से, अपने माइक में से, और वो नया वाला वायर उसमें जोड़ देना है। फिर आप अपनी माइक यूज करके देखोगे तो आपको माइक ठीक से वर्क करने लगेगा, अगर आपको माइक उसी जगह से खराब हुआ है तो। और अगर आपका माइक ऊपर से खराब हुआ है तो आपको क्या करना है, 8-10 इंच का टुकड़ा ऊपर से काट देना माइक का, फिर से उसी तरीके से उसमें सोल्ड कर देना जिस तरीके से वो पहले सोल्डता है। जब आप इसे काटो तो आपको एक वीडियो बना लेनी है, जिससे आपको ये याद रहे कि आपने कौन सा वायर कहाँ से काटा था और वो वायर किस जगह पर सोल्ड था। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, हम काट तो देते हैं, कोई भी चीज़ ख़राब तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे जोड़ते हैं तो हमें याद नहीं रहता कि ये चीज़ कहाँ पर लगी थी। तो आपको उसकी वीडियो बना लेनी है। अब इस तरीके से दोस्तों आप माइक सही कर सकते हो। अगर आपका माइक सही नहीं भी हो पाता है किसी तरीके से, तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ख़राब है। तो आप इस पर एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आपको आसानी समझ में आ चुका होगा कि आपको वीडियो कैसे बनानी है अगर आपका माइक ख़राब है तो, और आपको वीडियो कितने पार्ट में बनानी है जिससे आपकी वीडियो आसानी से बन सके, और आप अपने माइक को कैसे सही कर सकते हो अपने घर पर ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।